So hello everyone, welcome to K2 Institute. हमने अपनी previous class में class 12th का chapter number 2 start कर दिया था, that was electrochemistry. और आज हमारा उसका second lecture है जो हम start करने वाले हैं. I hope आप सभी को पुराने videos पसंद आ रही होंगी. उन सबको आप please like कीजिए और अपने friends के साथ share कीजिए. आज हम start करने वाले हैं जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हमने प्रीवियस क्लास से कंटिन्यू रखेंगे. सो प्रीवियस क्लास में लेट मी जस्ट क्विकली रिवाइज. प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था हमारे लेक्चर का, वो था नर्स्ट इक्वेशन. क्योंकि आज जो हम स्टडी करने वाले हैं वो इसी टॉपिक से कॉन्टिन्यूड है. सो हमने नर्स्ट इक्वेशन डिराइव कर ली थी एंड दैट वॉज ई सेल equals to E naught cell minus 2.303 RT upon NF log the concentration of the product upon the concentration of the ion. ठीक है, products और concentration reactants की concentration का ratio and specifically सिर्फ वही concentration terms जो कि अपनी ionic state में present होंगी. इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 2.303 RT अपॉन NF log the concentration of oxidized form upon the concentration of reduced form, that is E cell. ठीक है, जिसमें फिर हमने फर्दर इसको कहा था कि अगर हमारे पास टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन है, F की वैल्यू इफ यू सब्सटीट्यूट एज 96500 and the value of R is 8.314 joule kelvin inverse mole inverse. तो हमें यही equation जो है वो simplify होके आ जाती है as E cell equals to E naught cell minus 0.0591 upon N log concentration of oxidized upon the reduced form. ठीक है, so आज का जो हमारा topic है वो इसी main equation major equation से related है. उसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं कि अगर हमारे पास ये इक्वेशन, ऑब्वियसली ये रिएक्शन या ये इक्वेशन तब हमारे पास एप्लीकेबल है जब कोई एक्स सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीडाइज हो रहा है बाय लॉस ऑफ सम इलेक्ट्रॉन्स और कोई वाई सब्सटेंस जो है वो रिड्यूस हो रहा है बाय द गेन ऑफ सम इलेक्ट्रॉन, जिससे हमें ये इस तरीके से एक इक्वेशन मिल जाती है. सो कुछ इस तरीके की इक्वेशन के लिए, या फिर अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो रिडॉक्स रिएक्शन जो है वो हो रहा है, तब हम इस इक्वेशन को यूज कर रहे हैं टू कैलकुलेट द वोल्टेज ऑफ अ सेल. ठीक है, अगर सपोज कीजिए कि आपने ये पूरा का पूरा रिएक्शन स्टार्ट किया था टाइम टी जीरो पर. ठीक है, और ये रिएक्शन जो है यानी पूरी की पूरी कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कन्वर्ट हो रही है इंटू एक्स टू प्लस आयन और वाई टू प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कन्वर्ट हो रही है इंटू वाई आयन. तो एक ऐसा टाइम आएगा टी जब ये रिएक्शन यानी ये रिडॉक्स जो है वो स्टॉप हो जाएगा, यानी कि अब ना कोई कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की प्रोडक्ट बनेगी ना कोई कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की रिएक्टेंट बनेगी और वही पॉइंट हो जाएगा हमारा इक्विलिब्रियम. इक्विलिब्रियम एक ऐसा पॉइंट है जब हम ये कहें कि जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो गई है, दैट इज व्हाट इज डिफाइंड एज द इक्विलिब्रियम. तो उस पॉइंट पर हमारे पास जो वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है यानी दैट ई सेल विल बी इक्वल टू जीरो. अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडेज लेक्चर कि जब इक्विलिब्रियम आता है तब हमारे पास जो पोटेंशियल है सेल का वो जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है. क्यों हो जाता है? क्योंकि जो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो जाती है. कोई भी चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयनिक स्टेट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, यानी आयन्स की जो स्टेट है जो कॉन्सेंट्रेशन है वो चेंज नहीं होती है. सो अगर हम अपनी नर्स्ट इक्वेशन की तरफ देखते हैं जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म अगर हम लिखे अपॉन एन लॉग ऑक्सीडाइज अपॉन द रिड्यूस्ड फॉर्म, तो ये हमारे पास उसकी सिंप्लीफाइड फॉर्म है. अब हम ये कह रहे हैं कि जब हम इक्विलिब्रियम पर आ गए व्हेन वी आर एट इक्विलिब्रियम, सो उस इक्विलिब्रियम पर जो हमारी ई नॉट
सेल है वही एग्जिस्ट करेगी, क्योंकि ई सेल तो जीरो हो जाएगा. तो इस ई सेल की वैल्यू यहाँ पर जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें मिलेगा जीरो इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.059 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म अपॉन द रिड्यूस्ड फॉर्म. ठीक है, अब इस इक्वेशन को रीअरेंज कर लेंगे तो ई नॉट सेल जो है वो हमें मिल जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग के सी. एंड व्हाट इज दिस के सी? दिस के सी इज नथिंग, इट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. यानी कि अगर हम रिएक्शन को एक ऐसे पॉइंट तक ले गए हैं कि अब ना रिएक्शन फॉरवर्ड जा रहा है ना रिएक्शन बैकवर्ड जा रहा है, सो हमारा जो वोल्टेज होगा यानी जो वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी वो जीरो हो जाएगी, कोई भी पोटेंशियल जो है उसकी वैल्यू नहीं मिलेगी. उस कंडीशन पर जो हमारी रेशियो ऑफ ऑक्सीडाइज फॉर्म और रिड्यूस्ड फॉर्म आएगी दैट विल बी इक्वल टू के, दैट इज द इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट. और उससे हमें मिल जाएगी अपनी सिंप्लीफाइड फॉर्म फॉर दी ई नॉट सेल. अब ई नॉट सेल जो है इससे एक और पॉइंट आता है दैट विच वी कैन नोट डाउन एज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दैट ई नॉट सेल कैन नेवर बी नेगेटिव और जीरो. ई नॉट सेल जो है वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता है. ई सेल तो डेफिनेटली जीरो हो सकता है, क्योंकि अगर आप ई सेल की इक्वेशन की तरफ देखेंगे तो ई सेल इज अ टर्म दैट इज डिपेंडेंट अपॉन द ई नॉट सेल एंड इट इज डिपेंडेंट अपॉन दिस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द आयंस. लेकिन अगर हम ई नॉट की बात करते हैं सो ई नॉट इज एन इंडिपेंडेंट वैल्यू, ये सिर्फ डिपेंड कर रही है तुम आपके स्ट्रेंथ ऑफ एनी मेटल टू गेन और टू लूज द इलेक्ट्रॉन. इसीलिए हम हमेशा इस चीज को ध्यान रख सकते हैं कि ई नॉट सेल कभी जीरो नहीं होगा और ई सेल जो है वो डेफिनेटली जीरो होगा जब हम अपने रिएक्शन को इक्विलिब्रियम तक ले गए हैं. सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. बाकी अगर किसी को कोई भी पॉइंट समझ नहीं आता है तो प्लीज उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए. आपके डाउट्स डेफिनेटली हम, अगर बहुत ज्यादा डाउट्स आपके होंगे तो हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे, उसके अंदर आपके सारे डाउट्स क्लियर करेंगे. अब आज का जो नेक्स्ट पॉइंट है उसकी तरफ ध्यान देते हैं एंड दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ईएमएफ ऑफ द सेल एंड द गिब्स एनर्जी. ठीक है, सो ईएमएफ ऑफ द सेल, इट इज वेरी क्लियर पॉइंट दैट ईएमएफ इज द वोल्टेज. ईएमएफ बेसिकली होता है कि हमारा सेल कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है एक रिडॉक्स रिएक्शन करने के बाद, जिसको हमने वोल्ट मीटर से रीडिंग मेजर कर ली है और उसको ही हम बोलते हैं ईएमएफ, आल्सो कॉल्ड एज द ई सेल. ठीक है, ये तो पॉइंट क्लियर हो गया. अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर हम सपोज कीजिए हमारे पास जो सिंपल एक्सपेरिमेंट है उसके उसमें हमारे पास इस तरीके से दो सॉल्यूशंस है, एक में एक इलेक्ट्रोड है दूसरे में दूसरा इलेक्ट्रोड है. सपोज हम डैनियल सेल की बात करें तो ये ZN इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे ZN सल्फेट का सोल्यूशन है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, यहाँ पर कॉपर की इलेक्ट्रोड है. दे बोथ आर कनेक्टेड थ्रू अ वोल्टमीटर में जिससे की रीडिंग हो और यहाँ पर एक सॉल्ट ब्रिज होता है. ठीक है, ये सब हम अपने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं. जिसने हमारी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज जाकर देखे. तो इस तरीके से हमने अपना सेटअप किया था जिसकी वजह से हमारा ई सेल जनरेट हो रहा था, इसी को हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते थे. अब वो क्या रहा था यहाँ पर कि ZN जो है वो कन्वर्ट हो रहा था इनटू Zn2+ बाय द लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और यही 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑल अक्रॉस द सॉल्ट ब्रिज ट्रैवल करके कॉपर 2+ के पास आ रहे हैं जो कि गेन करके कॉपर सॉलिड बना रहे. सो इधर हो रहा था ऑक्सीडेशन एंड दिस वॉज द रिडक्शन. अब ये जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये एक एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है विच इज कॉल्ड एज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एंड दिस इलेक्ट्रिकल एनर्जी मूव्स अस टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क डन. यानी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है और जब मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है तो डेफिनेटली कोई ना कोई वर्क डन इस सिस्टम ने किया है, और इस सिस्टम के वर्क डन को हम डिफाइन कर रहे हैं एज चार्ज इंटू वोल्टेज, दैट इज क्यू इंटू वी. दैट इज अ जनरल डेफिनेशन ऑफ वर्क डन की एक पॉइंट चार्ज को आप एक पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस मूव कराने में कितना आप काम करते हैं, दैट इज डिफाइंड एज द वर्क डन. अब सपोज कीजिए कि हम ऐसा कह रहे हैं कि जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है डैनियल सेल के केस में वो 2 है, लेकिन अगर कोई भी सेल होगा लेट अस टेक कि हमने एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स वो ले लिए. ठीक है,
अब उन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज है, यानी एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है, दैट इज 96500 कूलम, यही होता है. तो ऑब्वियसली n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के पास जो चार्ज हो जाएगा, चार्ज ऑन n इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 96500 इनटू n, जिसको हम लिख सकते हैं एज एन एफ. एफ इज द फैराडे कॉन्स्टेंट. F is Faraday constant. ठीक है. So हमने ये कहा कि एक चार्ज जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन के पास जो चार्ज है वो 96500 के बराबर है. अगर एक सेल है जिसके अंदर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो उन n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज हो जाएगा nf अमाउंट के बराबर. अब हमें क्या करना है? कुछ नहीं, हमारे पास ये चार्ज आ गया, दैट इज द q वैल्यू. इसको हमें अपनी वर्क डन की इक्वेशन में लिखना है. तो वर्क डन हमारे पास हो जाएगा एन एफ इंटू वी, दैट इज द वोल्टेज. और वोल्टेज क्या है? अगर आप देखेंगे, दिस वोल्टेज इज व्हाट? ई सेल. तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं? वी की जगह पर वी कैन सब्स्टिट्यूट वी इक्वल्स टू ई सेल. हेंस वर्क डन कैन बी रिटन एज एन एफ ई सेल. ठीक है, तो ये हमें मिल गया अपना वर्क डन, दैट इज W. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ये जो वर्क डन है, दिस इज बाय द सिस्टम. बाय द सिस्टम का मतलब क्या है? अगर थर्मोडायनेमिक्स का थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट याद है कि एक जो होता है, दैट इज हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से एक इज वर्क डन बाय द सिस्टम, ओके, एंड वन इज वर्क डन ऑन द सिस्टम. ठीक है, जिसमें कि वर्क डन ऑन द सिस्टम इज पॉजिटिव एंड वर्क डन बाय द सिस्टम इज नेगेटिव. जो सिस्टम काम कर रहा है उसकी वजह से कुछ लॉस ऑफ एनर्जी हो रही होगी, तो ऑब्वियसली वो नेगेटिव हो जाएगा. और अगर कोई सिस्टम के ऊपर काम हो रहा है तो वो पॉजिटिव रिप्रेजेंट होता है. अब हमारे पास जो सेल है वो क्या कर रहा है? वो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करा रहा है और वो रिडॉक्स रिएक्शन कर रहा है, जिसकी वजह से ये वर्क डन हो रहा है. यानी दिस इज वॉट, दिस इज डन बाय द सिस्टम, और द सिस्टम ओवर हियर इज द सेल. तो यहां पे हम अपने वर्क डन को, यानी W को, वी कैन राइट इट एज माइनस एन एफ ई सेल, बिकॉज इट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम. इसीलिए एक नेगेटिव साइन जो है यहाँ पे, दैट इज क्लियरली जस्टिफाइड. अब पॉइंट ये आता है कि जब हम थर्मोडायनेमिक्स का एक माइनस साइन लेकर आ रहे हैं, दैट इज द वर्क डन बाय द सिस्टम, उसी तरीके से द वर्क डन इज गिब्स एनर्जी. That is the maximum work done that a system can do is defined as Gibbs energy according to thermodynamics concept. तो इस W की जगह पे हम लिख सकते हैं delta G equals to minus NF E cell. और ये हमारे पास आ जाता है अपना relationship between the EMF of the cell and the Gibbs free energy. तो यहाँ पर हमने दो important points समझे. एक important point तो हमने ये समझा कि work done जो cell कर रहा है वो सेल ने किया, इट इज डन बाय द सिस्टम, बाय द सेल. एंड इफ इट इज डन बाय द सेल, देन डेफिनेटली देयर विल बी सम लॉस ऑफ द एनर्जीज, एंड दैट लॉस ऑफ एनर्जी इज रिप्रेजेंटेड विद अ नेगेटिव साइन. ये रीजन है कि यहां पर हम नेगेटिव साइन को इंडिकेट करते हैं. ठीक है, दूसरी चीज क्या आती है कि जो वर्क डन है, दैट इज द मैक्सिमम वर्क डन, एंड दैट इज द वर्क डन दैट इज अ यूजफुल वर्क डन. और वो यूजफुल वर्क डन को एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हमारी थर्मोडायनेमिक टर्म आती है Gibbs energy. So we derived up the relationship between the Gibbs free energy and the EMF of the cell. ठीक है, अब ये तो हमारे पास point clear हो जाता है. अब इसमें एक सबसे important point और ध्यान देने वाला, वो ये है कि हमेशा, हमने वो previous lecture में भी बात करी थी, E cell जो है वो positive value होनी चाहिए. This is very important over here for you to understand why it should be positive. Suppose कीजिए आपके पास, for example, let us take कि आपके पास जो E cell है, that is the E cell value, वो आपके पास negative आ गई. Let us take 1.01 या -1 ही ले लेते हैं. ये आपके पास E cell की value आ गई है. ठीक है,
अगर अब आप इससे डेल्टा जी की वैल्यू निकालेंगे तो दैट विल बी माइनस एन एफ मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन, तो आपके पास डेल्टा जी आ जाएगा प्लस एन एफ, एंड दिस डेल्टा जी वैल्यू कैन नॉट एग्जिस्ट। और कैन नॉट एग्जिस्ट का मतलब यहाँ पे ये आता है कि ये रिएक्शन जो है या ये सेल जो है ये वर्क नहीं करेगा, दिस इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस सेल, और आई कैन कॉल इट इज अ नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। यानी ये रिएक्शन जो है वो उनके होने के चांसेस, इस टाइप के सेल के वर्क करने के चांसेस जो है वो बहुत ज्यादा रेयर है, क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि हर एक रिएक्शन को के लिए डेल्टा जी की वैल्यू नेगेटिव होगी, तभी वो क्या कहलाएगा, स्पॉन्टेनियस कहलाएगा, और तभी वो सेल जो है वो काम करेगा। अगर डेल्टा जी नेगेटिव आए तभी स्पॉन्टेनिटी होगी और तभी आपका वो सेल जो है वो काम करेगा, और इस सेल को काम करने के लिए डेल्टा ई की वैल्यू या फिर ई सेल की वैल्यू जो है वो डेफिनेटली पॉजिटिव बननी चाहिए। इसीलिए इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप अपनी कैलकुलेशंस को करते हैं तो आप एक पॉइंट डेफिनेटली दिमाग में याद रखिए कि आपके पास जो ई सेल है वो हमेशा पॉजिटिव आना चाहिए। अगर वो नेगेटिव आ रहा है तो डेफिनेटली आपने कोई ना कोई प्रॉब्लम जो है क्रिएट करी है अपने कैलकुलेशन में, जिसकी वजह से वो नेगेटिव साइन पर बन के आ रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गया हमारे पास हमारा पूरा गिब्स एनर्जी का रिलेशनशिप और हमारे पास इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हम इन दोनों ही फॉर्मूलेस को रिलेट करेंगे आपस में, ठीक है, यानी कि अगर हम E नॉट सेल इक्वल्स टू 2.303 और अगर हम इसका सिंप्लीफाइड वर्जन 2.303 RT अपॉन एन एफ लॉग के सी व्हेन द सेल इज एट इक्विलिब्रियम, ये तो एक रिलेशनशिप हो गया। दूसरा रिलेशनशिप जो है हमारे पास वो है जो अभी हमने डिराइव किया, वो है डेल्टा जी इक्वल्स टू माइनस एन एफ ई सेल। ठीक है, अब इसमें क्या है कि अगर सपोज कीजिए आपने टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन रख दिया है तो ये डेल्टा जी नॉट हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट सेल के इक्वल। ठीक है, अब आप क्या कर सकते हैं, डेल्टा जी नॉट कैन बी रिटर्न एज माइनस एन एफ इक्वल्स टू ई नॉट सेल। नाउ यू हैव टू इक्वेशंस, वन इज दिस और दूसरी इक्वेशन जो है वो हमारे पास ये है। अगर हम इसको इक्वेशन वन बोलते हैं और इसको इक्वेशन टू बोलते हैं, सो अगर हम इन दोनों ही इक्वेशंस को इक्वेट करेंगे, इक्वेटिंग इक्वेशन वन एंड इक्वेशन टू, ठीक है, तो हम एक फॉर्मूले पे डिराइव होके आएंगे, दैट इज डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ इक्वल्स टू 2.303 आर डी अपॉन एन एफ लॉग के सी। एन एफ से एन एफ कैंसिल आउट हो जाएगा और हमें मिल जाएगी वैल्यू That is delta G naught equals to minus 2.303 RT log K C। ठीक है, so हम ये जो relationship है ये क्या define करता है, it is basically the relationship between Gibbs energy and the equilibrium constant। ठीक है, सो ये हो गया हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप ऑफ टुडेज लेक्चर। ठीक है, सो इसके अंदर हमने कुछ नहीं किया है, हमने जो दो इक्वेशंस पहले ही डिराइव कर ली थी, वन वॉज फॉर दी
EMF of the cell at equilibrium, और जो दूसरा relationship हमने derive किया था that was for the Gibbs energy. Gibbs energy में हमने बस इतना सा change किया कि हमने temperature की condition जो है वो 298 Kelvin ले ली है. तो जब 298 Kelvin होता है तो we have a standard temperature और उसमें हमारे पास E naught cell जो है वो represent होता है. उसके बाद हमने दोनों की वैल्यूज को रीअरेंज कर लिया है इन टर्म्स ऑफ ई नॉट सेल, और क्योंकि वो दोनों ही वैल्यूज ई नॉट सेल की हैं तो उनको रीअरेंज करने पर हमें फॉर्मूला मिल गया फॉर दी वैल्यू ऑफ डेल्टा जी नॉट इन टर्म्स ऑफ लॉग के सी. फिर इस इक्वेशन को हम फर्दर भी रीअरेंज कर सकते हैं, दैट इज डेल्टा जी नॉट कैन बी रिटन एज -2.303 इनटू द वैल्यू ऑफ आर मल्टीप्लाइड बाय दी टेम्परेचर, और यहाँ पे है हमारे पास लॉग केस. ठीक है, अब एक सिंपल या शॉर्ट ट्रिक कहो या स्मार्ट ट्रिक कहो जो मैं आप सभी स्टूडेंट्स को एडवाइस करूंगी कि आप की जो वैल्यू है यानी ये जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है, बेटर रहेगा कि आप इसको अपने एग्जाम्स के लिए याद कर लें. और ये जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली आपका 5705 के अराउंड आती है. लॉग केस, सो अगर आप इसको याद कर लेंगे तो आपको ये कैलकुलेशन जो है वो करनी नहीं पड़ेगी. बट इतना जरूर रखिए, याद रखिएगा कि ये कंडीशंस तब हैं जब आपका टेम्परेचर जो है वो 298 केल्विन रहा होगा, और अगर वो डेल्टा जी के टर्म्स पे गिवन है तो डेफिनेटली टेम्परेचर 298 ही है. जो सिंप्लीफाइड वैल्यू है दैट इज 5705.8, इसको याद रखिएगा तो आपको एग्जाम्स में काफी आसानी होगी. ठीक है, उसके बाद जिस इस इक्वेशन में जो सारी वैल्यूज है जिसमें डेल्टा जी जो है वो आपके पास स्टैंडर्ड गिब्स एनर्जी, स्टैंडर्ड इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें नॉट जो लगा हुआ है, जो सुपरस्क्रिप्ट में जो हम जीरो लिखते हैं दैट इज कॉल्ड एज नॉट. Kc जो है हमारे पास दैट इज दी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. आई होप आप सभी को याद है व्हाट इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बेसिकली कुछ नहीं है, अगर सपोज कीजिए आपके पास दो रिएक्टेंट्स हैं ए प्लस बी, वो दोनों मिलके सी प्लस डी बना रहे हैं. सो एक इक्विलिब्रियम लॉ होता है जो ये कहता है कि अगर आप अपने रिएक्शन को एक ऐसे टेम्परेचर तक ले गए हैं जहां पे ना फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है ना जहां बैकवर्ड मूवमेंट हो रहा है, तो उस पॉइंट को ही हम कहते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट. यानी इनिशियली जब आपने स्टार्ट किया होगा टेम्परेचर टाइम जीरो पर तो ये दोनों का मैक्सिमम अमाउंट रहा होगा और सी और डी जो है वो मिनिमम. एक ऐसा पॉइंट आएगा कि कुछ अमाउंट इसका डिक्रीज हो गया है एंड द सिमिलर अमाउंट विल बी फॉर्म फॉर सी एज वेल एज फॉर डी. ठीक है, तो ये जो पॉइंट होता है वेयर योर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स बिकम्स इक्वल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड एज द इक्विलिब्रियम, जहां पे फॉरवर्ड रिएक्शन जो है उसका रेट बैकवर्ड रिएक्शन के बराबर हो जाता है. रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to the rate of backward reaction. ठीक है, उस पॉइंट को ही हम बोलते हैं इक्विलिब्रियम का पॉइंट एट इक्विलिब्रियम. सो इस पॉइंट पे एक लॉ था विच इज द इक्विलिब्रियम लॉ, वो ये कहता है कि आपके पास जो भी कोई कॉन्सेंट्रेशन है प्रोडक्ट्स की अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स की, दैट इज नथिंग, दैट इज जस्ट इक्वल टू अ कॉन्स्टेंट कॉल एज दी के इक्विलिब्रियम, जिसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं एज केस. सो ये थोड़ी आपकी प्री रिक्वेस्ट नॉलेज है जो कि आपने 11th क्लास में हम स्टडी करके आते हैं. जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, का किसी को याद नहीं है सो इट इज फॉर दोज ऑल. इसमें भी एक और इम्पॉर्टेंट टर्म होती है जो एक्सपोनेंट्स होते हैं इनके, एक्स वाई एम एन एन, जो कि एक्स एंड वाई एंड एम एन एन आर बेसिकली योर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स.
ठीक है, तो इस तरीके से ही हमने अपनी इस इक्वेशन में भी ये जो Kc की वैल्यू है ये यही रिप्रेजेंट करती है कि अगर कोई भी रिडॉक्स रिएक्शन है जिसमें आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही रिप्रेजेंटेड है, तो डिपेंडिंग अपॉन कौन रिड्यूस हो रहा है और कौन ऑक्सीडाइज हो रहा है, हम उसको डिफाइन कर सकते हैं इन द टर्म्स ऑफ इट्स रिलेशनशिप लाइक दिस. ठीक है, सो आज जो हमने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ा था, लेट्स जस्ट क्विकली समराइज ऑल दोज पॉइंट्स. सबसे पहले जो आज हमने डिस्कस किया था वो ये था कि हमारे पास एक रिलेशनशिप होता है फॉर द वैल्यू ऑफ EMF एट इक्विलिब्रियम, और उसमें हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये मेंशन किया था दैट E cell is zero at that particular point, and then E naught cell can be represented as 0.0591 upon n log Kc. The next very important point was EMF and Gibbs energy ka relationship, which is delta G equals to minus NF E cell. We can also write it at the temperature 298 Kelvin, that is E naught cell. ठीक है, उसके बाद इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था कि डेल्टा जी शुड ऑलवेज बी नेगेटिव फॉर अ रिएक्शन टू बी स्पॉन्टेनियस. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. एंड द लास्ट थिंग दैट वी हैव जस्ट डिस्कस दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट एंड गिब्स एनर्जी. That is delta G naught equals to 2.303 RT log Kc. ठीक है, तो ये जो है ये तीनों इक्वेशन जो है हमने अपने आज के लेक्चर में ये सब डिस्कस करी है. ठीक है, इसमें एक और है दैट इज द माइनस साइन, इसको मेंशन करिएगा जरूर, तभी आपके पास इक्वेशन जो है वो सॉल्व होकर आएगी. ठीक है, सो आई होप आपको आज के लेक्चर के सारे पॉइंट समझ आ गए हो. इस पे जरूर ध्यान रखिएगा कि टेम्परेचर यहाँ पर भी हमारे पास 298 केल्विन है तभी ये वैल्यू आई है. ठीक है, नॉट जहां पे भी होगा दैट मीन्स डेफिनेटली दैट इज द टेम्परेचर मेंशनिंग 298 केल्विन. ठीक है, प्लस एक और पॉइंट था विच इज दैट ई नॉट सेल कैन नेवर बी इक्वल टू जीरो. सो ये सारे पॉइंट जो है इनको मैं क्यों बार बार मेंशन कर रही हूँ, वो ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि दीज पॉइंट बिकॉज योर पैटर्न इज शिफ्टिंग अप टू एमसीक्यू, और जेई नीट में हमारे पास एमसीक्यूज जो है वही आते हैं, प्लस सीबीएसई है, जो लोग सीयूईटी देना चाहते हैं उनके लिए भी एमसीक्यू क्वेश्चन जो है छोटे छोटे दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. सो इस टाइप के क्वेश्चन जो है वो एमसीक्यू बैकग्राउंड के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे यह स्पॉन्टेनिटी की क्या कंडीशन होती है, ई सेट क्या होता है. सो ये सारी चीजें जो है वो आप प्लीज नोट करके रखिएगा. बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी से रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड जो है सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं. सो आई थिंक आज के लेक्चर के लिए काफी है, इतना आपको समझ आया हो. बाकी अगर आपको कोई भी डाउट होता है मैं बार बार मेंशन कर रही हूँ कि उसको कमेंट सेक्शन में मेंशन करिएगा, जो भी कोई क्वेरी होती है किसी की भी. बाकी आज के लिए लेट्स एंड ऑफ द लेक्चर ओवर हियर ओनली. पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और गलतियां करते रहिए, क्योंकि हमेशा की तरह अगर आप गलतियां नहीं करेंगे तो आपको सही तरीका या सही चीज आपको कभी नहीं मिल पाएगी. थैंक यू सो